मुरैना में चंबल सफारी के लिए संबलगढ़ झुंडपुरा के 10 किलोमीटर का क्षेत्र का चयन किया गया है। इस दौरान जगह जगह सेल्फी पॉइंट होंगे जिनमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के मनोहारी दृश्य शामिल है। इसके अलावा जगह जगह ग्रामीण बगियों व ठेठ देहातियों के रूप में नजर आएंगे। यह कलाकार होंगे जिन्हें सजाया जाएगा, सजने के लिए इनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा चंबल के बीहड़ सफारी के लिए 7 मई से लेकर 15 मई तक ट्रायल लिया जाएगा। इस दौरान देखा जाएगा कि यह प्रोजेक्ट कितना कारगर रहेगा तथा कितने लोगों ने इसके लिए बुकिंग कराई है। इसके बाद इसमें जरूरत के अनुसार संशोधन किए जाएंगे। वहीं चंबल सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था की जाएगी तथा पुलिस उनके साथ हर समय मौजूद रहेगी। इस दौरान ट्रैक्टर द्वारा पैरासीलिंग भी कराई जाएगी। प्रशासन विशेषकर जो हमारा DATCC का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये प्रयास रहा है कि कैसे टूरिज्म गतिविधियों को मुरैना ज़िले में हम लोग बढ़ा सकें। ग्वालियर और आगरा से नज़दीकी हमारे पास एक बहुत अच्छा पोजिशनल एडवांटेज देती है। उसी क्रम में अब हम लोग 7 मई से बीहड़ सफारी का ऑफिशियली लॉन्चिंग चालू कर रहे हैं। ये कड़ावना ग्राम पंचायत झुंडपुरा नगर परिषद के पास में बीहड़ के जो हमारे भर्रा घाट बना हुआ है वहाँ पर ये सफारी संचालित की जाएगी। लगभग 10 किलोमीटर का हम लोगों ने ट्रैक जो है वो प्रारंभिक रूप से चिन्हांकित किया है जिसमें सैलानियों को ले जाया जाएगा। रास्ते में सेल्फी पॉइंट्स, सनसेट और सनराइज़ पॉइंट्स बनाए जाएंगे और विभिन्न गतिविधियाँ जैसा डिमांड और मांग अनुसार वायबल रहेगा, जिसमें कि पैरा सेलिंग भी हो सकती है, टेम्प्रेरी कैंपिंग भी हो सकती है। ये सब गतिविधियों को जोड़ के इसको एक कॉम्पोजिट जो है पूरा टूरिज्म हब हम लोग बनाना चाहते हैं। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? बीहड़ के एरिया में बहुत आवश्यक है कि सुरक्षा का ध्यान रखा जाए क्योंकि पूर्व में ये एरिया काफ़ी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहा था। इसके लिए पुलिस के माध्यम से प्रारंभिक तौर पर हम लोग स्थानीय व्यवस्था तैयार करा रहे हैं, जिसकी सफारी की अवधि रहेगी उस दौरान पुलिस फोर्स की व्यवस्था वहाँ पर रहेगी। चूँकि एरिया थोड़ा रिमोट है इसलिए वहाँ पर टोइंग व्हीकल और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हम लोग स्थानीय तौर पर करा रहे हैं। सैलानी से किस तरीके से बुक कर सकेंगे और वो किस तरीके से बुकिंग की जाएगी जिससे सैलानी? इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, प्राइवेट ऑपरेटर जो इसको संचालित करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से जो लोग भी इच्छुक हैं वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। सर, इसमें स्थानीय लोगों को जोड़ने के लिए अभी हम लोगों ने पिछले 2 दिन पहले ही वहाँ पे ग्राम चौपाल करी थी, जो हमारे सेल्फी पॉइंट्स और वहाँ पे बागियों के गेटअप में लोगों को फ़ोटो खिंचाने की व्यवस्था मिल सके और भी जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं वहाँ पे मैगी पॉइंट तैयार करना, पारंपरिक खाना तैयार करना लोगों के लिए, इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। और भविष्य में जब इसमें रिस्पॉन्स और बढ़ने लगेगा तब हम लोग वहाँ पर स्थानीय होम स्टे भी डेवलप कराएंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।